वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की जो क्लास है वो हमारी क्लास आज आईटी बेस्ड होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको वेरियस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा शायद इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज की क्लास में उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की। तो टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ, टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ द रूट्स। लोकेशन ऑफ द रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड एक टॉपिक आईआईटी में डिस्कस होता है। उस पूरे टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो जो पूरा कंप्लीट चैप्टर है उसके अंदर एक छोटा सा आर्टिकल है लोकेशन ऑफ द रूट्स, मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि जो बचा हुआ पोर्शन है वो जब मैं ग्राफ थ्योरी पढ़ाऊंगा तो फिर वहाँ पर उस पूरे सिनेरियो को वापस से एक बार कंसीडर किया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में केवल इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है लोकेशन ऑफ द रूट्स का बच्चा मतलब यह है कि आपको पर्टिकुलर वो एक इंटरवल डिस्कस करना है जहाँ पर वो रूट लाई कर रहा है, तो फिर वो रूट किस तरीके का हो सकता है। आइए समझते हैं कि यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एक फंक्शन है जो दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या कहा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम ये मान करके चल रहे हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर एंड ए डज नॉट डिस्कस टू जीरो। क्या कहा? हम ये मान करके चल रहे हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर एंड ए डज नॉट डिस्कस टू जीरो। हम ये भी अज्यूम करते हैं, ऑल्सो assume that alpha and beta p two roots of this equation of the equation of this नहीं of the equation f x is equal to zero। बच्चा जैसे ही आपने इसको zero किया, यहाँ पर ये जो बात यहाँ पर मेंशन की गई है एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, इसको जरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हमको देखने को मिलता है एफ एक्स की वैल्यू पुट किया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो मीन्स इसके पास दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और हमने मान लिया है कि यहाँ पर जो दो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। देखो ये मान करके आए हैं, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का बी अपॉन है, जबकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन है। ओवरऑल दो रिजल्ट हमारे पास यहाँ से मेंटेन हो चुके हैं। इतना ही नहीं बच्चा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर इसी ब्लॉक को हम थोड़ा सा और डिस्कस करने की कोशिश करें तो ये जो अभी आपको देखने को मिल रहा है इसमें रूट्स को डिटरमाइन करने का एक और भी तरीका होता है, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए। क्या ये बात समझ आती है? ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का हम क्या नाम देते हैं, इस फॉर्मूले को हम नाम देते हैं बच्चा, इस फॉर्मूले को हम नाम देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या कहा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य। क्या कहा? श्रीधराचार्य, श्री धराचार्य, ठीक है। अब क्योंकि हम ये बता करके आए हैं कि इसके पास दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो बच्चा अल्फा हमने अज्यूम किया हुआ है, इसमें हम ये बता रहे हैं कि जो अल्फा है वो बीटा से छोटा होगा, ऐसा मैंने अज्यूम कर रखा है। अंडर रूट फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अपॉन टू ए। और बच्चा बीटा की यहाँ से जो वैल्यू जनरेट होगी वो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। याद रखेंगे यहाँ पर जो डी का सेंस है वो है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब आप जानते हैं डी को हम क्या नाम देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डी क्या है बच्चा? डिस्क्रिमिनेंट है। डी किस तरीके से रोटेट करता है आप जानते हैं, अगर रूट्स आर रियल। क्या कहा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन डी इक्वल्स टू जीरो। आप जानते हैं रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन डी इज ग्रेटर देन जीरो। आप जानते हैं रूट्स आर इमेजिनरी देन डी इज लेस देन जीरो। आप जानते हैं अगर केवल इतनी बात कह दी जाए कि रूट्स आर रियल तो फिर होता है डी इज ग्रेटर इक्वल्स टू जीरो। वेरियस चीज़ें आप यहाँ से डी के लिए जानते हैं। खैर हम लोग डी को मीन्स डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमने क्या बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास एक फंक्शन है, जिसमें कि हमने बताया कि अगर इसका इक्वेशन करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं तो एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो है। इसमें ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक रखना है तो बच्चा ए को नॉन जीरो होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सोचें कि ए जीरो हो जाएगा तो फिर बच्चा ये क्वाड्रेटिक ना रह जा करके क्या बचेगा,
सिंपली लीनियर इक्वेशन बचेगी, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके बाद हमने अज्यूम किया कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो जाहिर सी बात है इसके पास दो रूट एग्जिस्ट कर रहे होंगे, अल्फा और बीटा हमने नाम दिया और हमने ये मान लिया कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है। क्या कहा, अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, सच दैट अल्फा इज लेस देन बीटा। अच्छा लेस और इक्वल इक्वल ले लेते हैं, लेस और इक्वल, ठीक है, जो अल्फा है वो बीटा से या तो छोटा है या फिर बीटा के बराबर है। तो क्या यहाँ तक चीजें समझ आती हैं, क्या यहाँ तक जितना एक्सप्लेन किया ये इतना समझ आया, क्या इसके आगे हम लोग कुछ सीख सकते हैं, क्या हम लोग इसके आगे कुछ सीख सकते हैं? अब अच्छा इसके आगे कुछ केसेस हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, जरा वो देखते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन देखो, दो साइन होते हैं, एक एक आपको इम्प्लाइज का साइन देखने को मिलता है, एक इफ एंड ऑनली इफ, ये सिंपली इफ है, ये IFF है। अब IFF का मतलब आप जानते हैं, इफ एंड ओनली इफ होता है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि बात दोनों ही तरह से दोनों तरफ से प्रूव हो सकती है। सॉरी ये वाला सिंबल होगा, ठीक है, तो दोनों सिंबल अच्छी तरीके से समझ गए, इफ एंड ओनली इफ। एक नेसेसरी कंडीशन होती है, एक सफिशियंट कंडीशन होती है, प्रीवियस वीडियोज में नेसेसरी सफिशियंट पर काफी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से देखते हैं बच्चा, केस नंबर वन में हमने बताया व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। क्या कहा, व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, अगर बोथ रूट्स बच्चा पॉजिटिव हैं तो इसका जब हम डायग्राम ट्रेस करेंगे तो शायद इसका जो डायग्राम जाएगा वो कुछ ये जाएगा, ठीक है, ये बोथ रूट्स पॉजिटिव हैं तो बच्चा ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, और ये पूरा रीजन, ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर बनेगा। इसको हमने अल्फा नाम दिया, इसको बीटा नाम दिया, क्योंकि ऑलरेडी बता कर क्या है कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाती हैं, तो फिर बच्चा जरा कुछ सर्टेन कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अब अच्छा देखो, सबसे पहले कंडीशन तो हमारे पास यही जनरेट हो जाती है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो रियल की बात की जा रही है, हालांकि जो ग्राफ बना हुआ है आप जानते हैं रियल के लिए वैलिड है, तो ग्राफ से साफ पता चल रहा है डी इज लेस और इक्वल टू जीरो। अब अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो दो रूट्स का जो बच्चा सम होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसी के साथ में बच्चा अगर तीसरे पॉइंट को डिस्कस करें, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी बच्चा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना केस आपको समझ आया होगा। केस नंबर टू शायद अब आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। केस टू में अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, केस टू में अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दूसरी कंडीशन व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है, जरा ध्यान से समझेंगे बच्चा। जब ये इफ एंड ओनली इफ का साइन ये बता रहा है कि अगर ये सर्टेन कंडीशंस है तो ये रिजल्ट वैलिड होगा, और अगर ये है तो फिर ये सर्टेन कंडीशंस ऑलरेडी वेरीफाई हो रही हैं। कुल मिलाकर के आप ये भी समझ सकते हैं कि जो चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये इसका मैथमेटिकल पोर्शन और उसका ज्योमेटिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ये है। इसी तरीके से हम लोग कुछ सर्टेन केसेस को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद अपने मेन प्रॉब्लम पर आएंगे। तो यहाँ से बच्चा हमें देखने को मिलता है ग्राफ कुछ इस पैटर्न पर। किस पैटर्न पर हमें ग्राफ देखने को मिलता है, ये एक्सेस हमने ट्रेस किया और ये क्वेश्चन में कहा कि व्हेन बोथ रूट्स आर नेगेटिव, तो आप समझ रहे हैं कि ये होगा हमारा ओरिजिन, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये क्या है एक्स डैश, तो जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस के नेगेटिव पार्ट पर बन रहा है। बच्चा ये वाला रीजन आपने देखा और ये वाला रीजन आपने देखा, तो यहाँ से अब आपको बेसिकली पता चल रहा है कि इसमें जो अल्फा होगा वो ये होगा और जो बीटा होगा वो ये होगा। भैया अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ओरिजिन से अगर नेगेटिव साइड पर हैं तो जो ओरिजिन के ज़्यादा नज़दीक होगा वो बड़ा होगा, जो ज़्यादा दूर होगा वो छोटा होगा। हालांकि यहाँ से कुछ चीज़ें फिर से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो देखो बच्चा, हमें ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रूट्स हैं डिस्क्रिमिनेंट बच्चा कैसा होगा, डी इज ग्रेटर टू जीरो होगा, क्योंकि रूट्स आर रियल, डायग्राम से साफ साफ पता चल रहा है। सेकंड केस अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर दोनों ही रूट्स नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, मीन्स माइनस थ्री माइनस फाइव ऐसा लिया, तो दोनों को ऐड करने पर क्या मिलता है, माइनस एट मिलता है, तो पता चल रहा है कि सम ऑफ द रूट्स इज लेस देन जीरो। अगर दोनों रूट्स नेगेटिव हैं तो उनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। इसी में थर्ड कंडीशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो आप जानते हैं माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव करने पर प्लस का 15 मिल जाता है, मतलब ये हुआ कि अगर इन दो नेगेटिव रूट्स का प्रोडक्ट कराते हैं तो वो बच्चा कैसा हो जाता है, वो हो जाता है पॉजिटिव। हालांकि ये दो केसेस आपको बेहतर तरह से समझ आ गए होंगे, एक इसी में अब तीसरा केस हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। यार इसको रफ नहीं करना पड़ेगा, देखो इसी जगह से मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसी जगह से मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस पोर्शन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जो थर्ड केस होगा वो बच्चा थर्ड केस बनता है व्हेन द रूट्स आर इन अपोजिट क्वाड्रेंट। क्या कहा, व्हेन द रूट्स आर इन अपोजिट क्वाड्रेंट। क्या कहा, व्हेन द रूट्स आर इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो एक पोर्शन बच्चा रफ कर देते हैं, ठीक, व्हेन
व्हेन रूट्स आर इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर अपोजिट क्वाड्रेंट पर होंगे रूट्स, तो बच्चा हमें यहां से क्या देखने को मिलता है, चलिए देख लेते हैं डायग्राम, शायद कुछ इस तरीके से ट्रेस होगा। एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कोई बात नहीं। देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में बच्चा दो ही सर्टेन कंडीशंस यहाँ से बन रही है, डायग्राम को देखने से पता चल रहा है कि एक तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन डी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, सेकंड कंडीशन जो हमारे पास बन रही है बच्चा, सेकंड कंडीशन बन रही है देखो पॉजिटिव और निगेटिव में बेसिकली ये नहीं पता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो सम के लिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं प्रिपेयर हो पाएगी, प्रोडक्ट के लिए कंडीशन प्रिपेयर हो जाएगी। तो यहाँ से बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज लेस देन जीरो, क्या कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज लेस देन जीरो, क्या कहा प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज लेस देन जीरो। इसी में आगे देखते हैं व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ठीक है, व्हेन बोथ रूट्स आर, इसी में बच्चा इसको थोड़ा सरफ कर रहे हैं, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, क्या कहा बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, ठीक है। के कोई एक बच्चा कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है, दोनों ही रूट्स जो है वो क्या है वो के से बड़े हैं, क्या बात कह दी गई है कि दोनों ही रूट्स बच्चा क्या है के से बड़े हैं। चलो जरा डायग्राम इसका सबसे पहले देखते हैं कि डायग्राम किस तरीके से प्रिपेयर हो पाएगा। अब बेसिकली हमें ये नहीं पता है अल्फा और बीटा के बारे में, कोई जानकारी नहीं दी गई है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, केवल ये कहा गया कि दोनों ही रूट्स क्या है के से बड़े हैं, ठीक है भैया के से बड़े हैं तो कोई बात नहीं। एक वैल्यू ये आ गई देखो के, ठीक है, ये वैल्यू के आई है, ये जो कर्व आपको देखने को मिल रहा है ये बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू जीरो के लिए मेंटेन किया गया है, मतलब ये ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ये एफ एक्स है, ठीक है। अब जबकि एक्स एक्सिस पर हमको वैल्यू पता है, ये बच्चा एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, वाई एक्सिस को ट्रेस नहीं किया है। अब बच्चा देखो अगर के की वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं तो हमको मिल जाता है एफ के, एफ के का मतलब बच्चा ये है कि ये जो लेंथ है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एफ के। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए, क्या हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। पहली कंडीशन अगर हम वेरीफाई कराना चाहें तो शायद हमें देखने को मिलता है डी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, इतनी बात तो ठीक है। सेकेंड कंडीशन अगर हम वेरीफाई कराना चाहें, सेकेंड कंडीशन हम वेरीफाई कराना चाहें तो हमें शायद देखने को मिलता है, देखो ए एफ के इज ग्रेटर देन जीरो, ए एफ के इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है भैया, जरा ये समझ लेते हैं। देखो यार ये जो पैराबोला बन रहा है ये अपवर्ड पैराबोला तभी बनता है जब ए इज ग्रेटर देन जीरो होता है। अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा, तो स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि जब ग्राफ थ्योरी पढ़ाएंगे तो फिर वहां पर इस चीज को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। फिलहाल हमारा जो अभी आज की जो क्लास है वो लोकेशन ऑफ द रूट्स पर बेस्ड है, इसलिए इन सब चीजों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो ए इज ग्रेटर देन जीरो यहां से ये कंडीशन पता चल रही है। एफ के जो बच्चा बन रहा है वो एफ के को अगर तुम देखते हो तो ये वाई एक्सिस के पॉजिटिव पार्ट पर बन रहा है, जिससे हमको ये पता चल रहा है कि एफ के इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। दोनों का जब प्रोडक्ट कराओगे तो ए एफ के इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, तो ये कंडीशन हमारे पास प्रूव हो जाती है ए एफ के इज ग्रेटर देन जीरो। तीसरी कंडीशन वेरीफाई कराने जा रहे हैं, कहा गया है व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, इस बात को जरा समझेंगे, व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा ये जो अल्फा है ये भी के से बड़ा है और जो बीटा है वो भी क्या है के से बड़ा है, और अल्फा और बीटा में जो अल्फा है वो बी से छोटा है। तो अगर इस केवल ये जो स्टेटमेंट है इसको अगर हम यहां से थोड़ा सा क्लियर करें तो शायद हमें लगता है ऑल्सो, इसी जगह पर बच्चा बताते हैं ऑल्सो, एक कंडीशन आपको दी जा रही है अल्फा इज ग्रेटर देन के, देखो डायग्राम से साफ पता चल रहा है उसमें बोल भी रहा है कि जो रूट्स हैं वो के से बड़े हैं, तो अल्फा भी के से बड़ा होगा और बीटा भी के से बड़ा होगा। बच्चा जैसे ही हमने क्या किया दोनों को कॉलम वाइज ऐड किया तो अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 2k, क्या कहा अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 2k। ये बच्चा जो कंडीशन है ये क्या है, ये थर्ड कंडीशन है। इसी में बच्चा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम बताने जा रहे हैं क्या व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन के, क्या बात बताई व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन के, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से बच्चा समझते रहेंगे, क्या बात बताई गई व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन के, और दोनों ही जो रूट्स हैं वो बच्चा क्या है के से छोटे हैं। अगर दोनों ही रूट्स हमारे पास के से छोटे होंगे तो इसका पहले डायग्राम जरा समझने की कोशिश करते हैं, वर्टिकल लाइन की हमें जरूरत नहीं रहेगी इसलिए हम लोग केवल और केवल इस्तेमाल करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चा किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने यहां से बच्चा पिक किया, ध्यान देंगे जरा सभी लोग ध्यान देंगे, हमने यहां से इस पॉइंट को पिक किया और अज्यूम किया कि यहां पर ये एक वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है, के एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। कहा जा रहा है कि दोनों ही रूट्स क्या है के से छोटे हैं, दोनों ही रूट्स बच्चा किससे छोटे हैं के से छोटे हैं, तो ये
यहां पर आएगा बीटा, ये यहां पर आएगा अल्फा। आखिरकार इसी पैटर्न पर बॉडी क्यों रहेगी? क्योंकि आप जानते हैं अल्फा इज लेस देन बीटा, अल्फा क्या है बीटा से छोटा है और दोनों ही रूट्स कैसे छोटे हैं। अब आप जानते हैं कि ये जो कर्व है, इस कर्व को हमने नाम दिया है एफ एक्स, ठीक है। तो बच्चा जब के अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो फिर ये यहां पर x के प्लेस पर आ सकता है। तो जैसे ही हमने k पुट किया तो हमें जो मिलता है वो मिलता है fk, मतलब ये वाली बॉडी मिल रही है, ठीक है, सॉरी fk, ठीक। यहां से भी देखो fk है। अब आपको पता है कि ये जो पैराबोला बन रहा है ये अपवर्ड पैराबोला तभी बनेगा जब क्या होगा, a इज ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये कंडीशन हमारे पास चलती रहेगी, a इज ग्रेटर देन 0। fk हमारे पास कैसा है बच्चा? पॉजिटिव है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ सर्टेन केसेस अब हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला केस देखने को मिलेगा d इज ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि ये रियल एक्सिस को कट कर रहा है इसलिए रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सेकंड केस हमारे पास इसी में बन जाता है a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0, दोनों ही कंडीशन सभी इसके पहले प्रूफ कराई थी। थर्ड केस जो बन रहा है उसको जरा फिर से समझने की कोशिश करेंगे। यही बच्चा वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। यहाँ से बच्चा देखो थर्ड केस में बताया जा रहा है, जबकि क्वेश्चन में ये हेडिंग ही है कि व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन के, दोनों ही रूट्स कैसे छोटे हैं, मींस अल्फा इज लेस देन के, क्या कहा अल्फा इज लेस देन के, बीटा इज लेस देन के। बच्चा क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। क्या करो, ऐड करो। जैसे ही हमने ऐड किया हमें देखने को मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 2k। क्या कहा, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 2k। बच्चा जरा ध्यान से समझना, ये जो अल्फा प्लस बीटा है, अगर हम इस ये जो भी कर्व ट्रेसिंग हो रही है वो उसके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही कुछ बता कर क्या थे। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, वो बच्चा वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपॉन ए इज लेस देन के, तो 2k। तो बच्चा यहाँ से अब हमें देखने को मिलता है माइनस का बी अपॉन 2a इज लेस देन के। और बहुत सारी बुक्स में वेरियस प्लेटफॉर्म पर आप उस सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको सब जगह यही कंडीशन देखने को मिलेगी, शायद इसलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। कोई बात नहीं, तो अभी आज की क्लास में फिलहाल ये समझ में आ गया है कि माइनस बी अपॉन 2a इज लेस देन के आखिरकार हो कैसे जाता है। फिलहाल जैसा कि मैं हमेशा ही आपको समझाता हूँ कि चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस कंडीशन का मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरा काम इसी से चलता रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 2k। इसके बाद बच्चा एक सर्टेन कंडीशन हमारे पास और आ जाती है जिसमें हम लोग बताते हैं when both roots are confined, यहाँ से बच्चा देखो रफ कर रहे हैं, रफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। When both roots are confined by k1 and k2 और where k1 is less than k2। क्या कहा, k1 is less than k2। k1 जो है वो किससे छोटा है, k2 से छोटा है। k1 किससे छोटा है बच्चा, k2 से छोटा है। देखते हैं बच्चा इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। डायग्राम देखो हमारे पास ये बना हुआ था, ये एक पॉइंट इधर से रफ कर देते हैं। ये बच्चा k1 वैल्यू आ गई है, ये यहां से बच्चा k2 वैल्यू आ गई है। ध्यान से समझते रहेंगे, ये k1 रहा ये k2 रहा, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा fk1, ये क्या हो जाएगा fk2। ये इतनी लेंथ की बात की जा रही है, यहां पर भी ये इतनी लेंथ की बात की जा रही है। पहली कंडीशन ठीक से होल्ड हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन ये आ गई, इसमें देखो बच्चा एक कंडीशन अब और ऐड हो जाएगी, थर्ड कंडीशन जिसमें हम बताएंगे a fk2 इज ग्रेटर देन 0, हालांकि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्थ नंबर की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ नंबर को बच्चा थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं। आपको पता है कि जो अल्फा और बीटा, क्वेश्चन में ही कहा गया है कि जो अल्फा और बीटा है वो दो नंबर से क्या कर दिए गए हैं, बाउंड कर दिए गए हैं। तो मतलब अल्फा जो है वो असल में लाई कर रहा है k1 और k2 के बीच में, किसके बीच में, कि अल्फा जो है वो k1 से तो बड़ा होगा मगर k2 से छोटा होगा। सेम प्रोसेस बच्चा जो बीटा होगा वो भी क्या होगा, k1 से बड़ा होगा मगर k2 से छोटा होगा। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें देखने को मिलता है 2k1 अल्फा प्लस बीटा लेस देन 2k2। हालांकि इसको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं और ये हमारे पास बन जाती है बच्चा क्या, ये वाली नहीं, ये वाली ऑल्सो, और ये बन जाती है हमारे पास फोर्थ कंडीशन। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओवरऑल चार कंडीशन अवेलेबल हैं, ठीक है। हालांकि इसमें वेरियस केसेस और भी आगे बनते हैं, फिलहाल मैं टॉपिक को अभी आज यहीं पर रोकना चाहता हूं। इसमें देखो अदर केसेस क्या बनते हैं कि अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो जो अपवर्ड पैराबोला है वो डाउनवर्ड में चला जाएगा। जब ये डाउनवर्ड में जाएगा तो जो fk जनरेट हो रहा है वो बच्चा नेगेटिव होने लगेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन अभी चल रही है afk is greater than 0, उस पर आपको कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल उतना डीप में नहीं जा रहे हैं,
थोड़ा सा एक क्वेश्चन जिसके लिए सब कुछ चल रहा था उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस रफ कर देते हैं, हालांकि केसेस एक्सप्लेन कर दिया बच्चा, सेकंड केस नहीं था यार ये, शायद फर्स्ट सेकंड ही चल रहा था, शायद सिक्स या सेवन्थ केस था, देख लेना एक बार, ठीक है। मैंने केसेस चेंज नहीं किए हैं, केस की काउंटिंग वो सीरियल नंबर में कुछ गड़बड़ी हो गई है शायद, सिक्स और सेवन्थ केसेस आज बताए हैं। स्टार्टिंग में तीन केस, तीन और तीन दो पांच, पांच या छह केसेस आज की क्लास में बताए हैं। कितने केसेस बताए हैं बच्चा? फाइव और सिक्स केसेस आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वन इजकल्स टू जीरो, बोथ रूट्स फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ दिस आर लेस देन यूनिटी, ठीक है। दोनों ही जो रूट्स होंगे वो किससे कम होंगे? यूनिटी, यूनिटी मतलब बच्चा वन होता है। चलो देखते हैं इसके सोल्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है बोथ रूट्स आर लेस देन यूनिटी। देखो क्वेश्चन में जो ज्ञान वाली बात है वो ये है कि बोथ रूट्स आर लेस देन यूनिटी, केवल इतने समय मतलब है। अभी हम लोगों ने सीखा था बोथ रूट्स आर लेस देन के, तो वहां पर लेस देन के था, यहाँ पर यूनिटी कर दिया गया है, मतलब के की वैल्यू क्या कर दी गई है बच्चा? वन पुट कर दी गई है। फिलहाल सोल्यूशन की स्टार्टिंग करते हैं। वी हैव क्या है बच्चा हमारे पास, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सिंपली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वन इजकल्स टू जीरो। अब बच्चा हमने क्या किया, हमने इसको कंपेयर कराया, किससे कंपेयर कराया? ऑन कंपेयरिंग आपको देखने को मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल्स टू जीरो। जैसे ही हमने इसे कंपेयर कराया, हमें ए की वैल्यू वन देखने को मिलती है, बी की वैल्यू एम सॉरी माइनस एम, और बच्चा सी की वैल्यू वन देखने को मिल जाती है। क्या यहाँ तक कोई समस्या है? क्या यहाँ तक कोई समस्या? अब आपको पता है अभी इसके पहले केसेस बता कर क्या है, व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन यूनिटी, तो अगर दोनों ही रूट्स एक से छोटे हैं, अब निगेटिव की तो बात नहीं कर रहा है, तो मतलब रूट्स पॉजिटिव हैं। अगर रूट्स पॉजिटिव हैं तो पहली कंडीशन होल्ड कराने जा रहे हैं, डी इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, और जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो बच्चा बी स्क्वायर सॉरी ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का एम स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। यहां से तुमको देखने को मिलेगा एम स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर इक्वल टू जीरो, तो कुल मिलाकर के एम स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू फोर, एम स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू फोर। आप जानते हैं कि जब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने का तरीका थोड़ा सा दूसरा होता है। यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर एम बनता है, यहाँ से टू बनता है, इसी का एक निगेटिव पार्ट यहाँ से माइनस टू बनता है, क्योंकि एक्चुअली जब यहाँ पर रूट लेते हो तो ये मॉडुलस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट होता है? मॉडुलस में। चलो यार ये भी स्टेप क्लियर ही कर देते हैं। ये आपने रूट लिया तो अब आप जानते हैं यहाँ से जो वैल्यू आती है वो किस पर आती है? मॉडुलस पर आती है। तो बच्चा यहाँ से अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा मॉड ऑफ एम इज ग्रेटर और इक्वल्स टू टू। अब आप जानते हैं मॉडुलस को ब्रेक करने का बच्चा तरीका क्या होता है, एम जो नंबर यहाँ पर है वो एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, जो इनइक्वालिटी रन कराएगा ये उसको रन करा दो। यहाँ से बताया जा रहा है कि जो एम है, ध्यान से समझेंगे, जो एम है वो माइनस टू से छोटा है, किससे छोटा है? माइनस टू से छोटा है और प्लस टू से बड़ा है, प्लस टू से बड़ा है माइनस टू से छोटा है। जब हमने इसको डिस्कस किया तो हमको पता चलता है कि ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, तो जो एम बिलोंग करेगा किसको बिलोंग्स कर जाएगा बच्चा? एम बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन प्लस टू टू प्लस इन्फिनिटी। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसी में सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। पहली कंडीशन ये रही, सेकेंड कंडीशन में कहा था ए एफ के इज ग्रेटर देन जीरो। अब ए एफ के तो एफ के का काम बच्चा इस बार क्या कर रहा है? यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है? वन से होता है, तो लेस देन यूनिटी की बात की गई है, तो ए एफ वन इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो। ए ऑलरेडी वन है तो कुल मिलाकर के एफ वन इज ग्रेटर देन जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वन? अरे यार ये देखो एम एफ एक्स, एफ एक्स हमारे पास ये रहा, तो जब एफ एक्स ये है तो वन निकालने के लिए क्या करोगे? जैसे ही आपने एक्स के प्लेस पर वन पुट किया, देन एम इंटू वन देन वन ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से आपको देखने को मिलता है टू माइनस एम इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से देखने को मिलता है एम इज लेस देन टू। ये थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है,
हाँ, m इज लेस देन टू, क्या कहा? m इज लेस देन टू, क्या कहा? m इज लेस देन टू, m की जो वैल्यू है वो किससे छोटी है? दो से छोटी है। चलिए जरा आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर m की वैल्यू दो से छोटी है तो सवाल ये है कि m कितना छोटा है? दो से, m दो से कितना छोटा है? बच्चा बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड करेगा। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस टू, क्या यहां तक चीजें समझ पाए? आप शायद समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार यहाँ पर ओपन इंटरवल क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है। बच्चा इसी में एक केस हमें और भी डिस्कस करना होगा, थोड़ा सा मुझे कुछ रफ करना होगा। यहां से इतना पोर्शन देखो रफ कर रहे हैं, इतना पोर्शन देखो बच्चा, यहां से हम क्या कर रहे हैं? रफ कर रहे हैं, बस इतना, ज्यादा नहीं। इसको भी हटाते हैं इसे। बच्चा एक तीसरा केस हमें देखने को मिलेगा, और तीसरा केस अब आप जानते हैं क्या उसमें कह दिया गया है। कहा गया है रूट्स आर लेस देन यूनिटी। रूट्स आर लेस देन यूनिटी का मतलब ये है कि इसके पास दो रूट्स होंगे। हमने मान लिया है कि जो इसके बच्चा रूट्स हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा है। हमने मान लिया है कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा है। तो बच्चा अगर कहा जा रहा है कि रूट्स आर लेस देन यूनिटी, तो मतलब ये हुआ कि अल्फा इज लेस देन वन, बीटा इज लेस देन वन। बच्चा हमने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया। जैसे ही हमने ऐड किया, हमें देखने को मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन टू। अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन टू। अब आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। क्या होती है? माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चा अगर यहां से हम रिजल्ट को मेंटेन करने की कोशिश करें, अल्फा प्लस बीटा, क्या कहा? अल्फा प्लस बीटा, तो शायद आप समझ रहे हैं माइनस का बी अपॉन ए, बी माइनस एम, माइनस माइनस प्लस, ए की वैल्यू वन है। तो कुल मिलाकर के यहां से अभी आपको देखने को मिलेगा माइनस बी अपॉन ए इज लेस देन टू, देन वी गेट द माइनस माइनस एम अपॉन वन इज लेस देन टू, देन एम इज लेस देन टू। एम इज लेस देन टू, ये वही कंडीशन निकल करके आई है जो यहां से निकल करके आई है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। फिलहाल अभी पिछले केसेस में हम देख रहे थे कि लगभग ऑलमोस्ट हर केसेस में हमें तीन कंडीशंस देखने को मिल रही थी, यहाँ पर भी हमें तीन कंडीशंस देखने को मिल गई हैं। अब हमें एक कॉमन सोल्यूशन चाहिए होगा, एक ऐसा सोल्यूशन जो इन तीन सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से रियल लाइन पर हम आ जाते हैं, एक वैल्यू जो है वो प्लस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ रोटेट कर रही है, जिसमें कि ये नंबर टू यहाँ पर फिल कर दिया गया है, माइनस टू यहाँ पर फिल कर दिया गया है, प्लस टू, इसको बच्चा प्लॉट कर रहे हैं। ये सोल्यूशन अभी आपको कुछ ये देखने को मिलेगा, ध्यान से समझते रहेंगे, और यहाँ से ये इतना पोर्शन देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ पाए? इसी में बच्चा जब इस केस को हम ट्रेस करेंगे, तो इस केस की ट्रेसिंग में आपको देखने को मिलेगी फिर से एक लाइन, लेकिन इस बार ये जो लाइन होगी ये प्लस टू से चल रही होगी। कहां से चल रही होगी? प्लस टू से चल रही होगी, प्लस टू से, प्लस टू से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। याद रखना इस बार ये सर्किल फिल नहीं किया जाएगा। भैया सर्किल क्यों नहीं फिल किया जाएगा? क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर टू एडॉप्टेबल नहीं है। हालांकि जो इस सेकेंड केस के लिए कंडीशन फुलफिल हो रही है, वही थर्ड केस के लिए फुलफिल हो रही है, इसलिए मैं थर्ड केस की ट्रेसिंग नहीं कर रहा। बच्चा दोनों कॉमन सोल्यूशन निकालने के लिए हमें यहाँ से कॉमन रीजन सेलेक्ट करना होगा। आप बोलो कॉमन रीजन क्या है? अगर हम इस पॉइंट को इससे अटैच करें और यहाँ से एक पॉइंट नीचे गिराएं, तो इन दोनों में देखो कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, ये जो बच्चा इतना रीजन आ रहा है ये देखो कॉमन है, और ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ प्रोसीड करेगा। यहाँ पर देखो माइनस टू एडॉप्टेबल है, तो फिर यहाँ पर भी ये जो पॉइंट होगा माइनस टू, ये क्या होगा? एडॉप्टेबल होगा। तो बच्चा कुल मिलाकर के एम की जो हम वैल्यू जनरेट करेंगे, ये भी एम के लिए है, ये भी एम के लिए है, और ये भी एम के लिए है। तो एम का जो कॉमन सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है एम बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई? हालांकि ऑप्शन में आप देखेंगे तो कुछ बुक्स में ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिलेगा, देन बोथ आर करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सोल्यूशन आपको अच्छे समझ आया होगा, और इसी के साथ में ये जो केसेस थे ये किस तरीके से क्रिएट होते हैं ये भी आपको समझ आए होंगे। मैं कई बार आपको बताता हूँ कि ग्राफिकल सोल्यूशन ज़्यादा बेहतर होता है बजाय मैथमेटिकल सोल्यूशन के। फिलहाल अभी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।